अंजना के गर्भ में विकसित हो रहे हनुमान के खाने और खेलने की सारी विलक्षणता अंजना में उजागर होती रही। किंतु हनुमान ने इन सबसे भी बढ़कर रुचि स्वामी के लीला कथाओं में प्रकट की। अंजना के स्वामी वानरराज केसरी की कथाओं में? अंजना के स्वामी नहीं, सारे जगत के स्वामी, हम सब के स्वामी, सांवरे सलोने श्याम सुंदर। अंजना जानती थी कि गर्भ में भी शिशु सुनने लगता है, इसलिए माता गौरी की बात स्मरण करके वो निरंतर अच्छा ही बोलती और अच्छा ही सुनती। और जब वो हमारे सत्य सनातन भगवान वासुदेव के अवतारों की लीलाएं सुनती तो परम चंचल गर्भस्थ हनुमान न तो खाने के लिए मचलते और न कोई उछल कूद करते। किंतु उन्हें ये सारी कहानियां सुनाता कौन था? शिव या पार्वती जी ने तो अंजना और गर्भस्थ हनुमान को अपनी करुणामयी शरण में ले ही लिया था, परंतु वीणा वादिनी सरस्वती जी हनुमान के विकास में योगदान दिए बिना कैसे रह सकती थी? देवी अंजना, आज मैं आपको ध्रुव लोक के ध्रुव तारे की कथा सुनाऊंगी। आकाश में स्थित ध्रुव नक्षत्र अपने पूर्व जन्म में मनुष्य थे। वे 5 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने भगवान वासुदेव को अपनी निर्मल भक्ति से प्रसन्न कर दिया और इस परम दुर्लभ पद को प्राप्त किया। ध्रुव के पिता राजा उतानपाद की 2 रानियां थी। ध्रुव की माता सुनीति वे बड़ी थी, किंतु राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि के वश में थे। देवी अंजना, आप लेट जाइए, ऐसे बैठे रहने से गर्भ में पल रहे शिशु को कष्ट होगा। राजा सदैव ध्रुव की सौतेली माँ और उनके पुत्र उत्तम के पास ही रहते। ध्रुव को कभी भी अपने पिता का प्रेम प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिलता। एक दिन जब राजा उतानपाद ध्रुव के सौतेले भाई को अपनी गोद में खिला रहे थे, तब ध्रुव का मन भी पिता का प्रेम प्राप्त करने की लालसा जागी। वो अपने पिता की गोद में जा ही रहा था कि उनकी सौतेली माँ ने उनका हाथ खींचकर उन्हें नीचे ढकेल दिया। सौतेली माँ के कटु वचनों से बहुत ही आहत हुआ ध्रुव की माता सुनीति। चाहकर भी अपने पुत्र को पिता का प्रेम दिलाने में समर्थ नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ध्रुव को परम पिता भगवान नारायण का प्रेम प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति करने का उपदेश दिया। अब मैं नारायण की भक्ति करूंगा, मैं उनसे प्रेम करूंगा, फिर वो भी मुझसे प्रेम करेंगे। फिर ध्रुव ने घर छोड़ दिया और नारायण को पाने के लिए वन में जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। शिव शिव, 5 वर्ष की अवस्था में इतना साहस! वन में तो कई प्रकार के हिंसक पशु और सर्प आदि घूमते रहते हैं, फिर ध्रुव महाराज इन सबसे बचे कैसे? जब प्राणी भगवान की ओर एक पग चलता है, तब भगवान अपने भक्त की ओर 100 पग चलते हैं। तो फिर भगवान अपने भक्त की सहायता कैसे नहीं करते? उन्होंने अपने अंश अवतार महामुनि नारद को भी
ध्रुव की मंत्र दीक्षा के लिए भेज दिया। मेरे पीछे बोलो वत्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये परम गुप्त द्वादशाक्षर मंत्र है पुत्र, भगवान श्री हरि के सुंदर चतुर्भुज रूप को हृदय में धारण करके इस मंत्र का निरंतर जाप करने से तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर एक वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात ध्रुव को बैकुंठपति भगवान श्री नारायण ने अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। तुम्हारी निर्मल भक्ति से मैं प्रसन्न हूं पुत्र। जिस अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, सारे ग्रह नक्षत्र और सप्तऋषि भी जिसकी परिक्रमा करते हैं, इस समस्त ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का वो लोक जो इन सारे लोकों का नाश होने के पश्चात भी स्थिर रहता है, वो दुर्लभ पद मैं तुम्हें देता हूं। आशीर्वाद के पश्चात ध्रुव ने वर्षों सफल जीवन व्यतीत किया और अंत में ध्रुव तारा के रूप में स्थित हो विख्यात हुआ। इस प्रकार भक्ति का पहला पाठ शिशु हनुमान ने गर्व में ही सीख लिया था। ये समस्त ब्रह्मांड मेरे वश में है, किंतु मैं अपने भक्तों के वश में हूं। मेरे भक्त हर पल हर घड़ी निरंतर मेरा ध्यान करते हैं और मैं भी हर पल हर घड़ी अपने भक्तों का ध्यान करता हूं, हर संकट से उनकी रक्षा करता हूं, उनकी हर इच्छा पूरी करता हूं, उनके जीवन की उपलब्धियों की रक्षा करता हूं और कोई आवश्यकता उपस्थित होते ही तत्काल उसका प्रबंध करता हूं। हनुमान की शिक्षा दीक्षा में मेरी रुचि देखकर सभी देवता उनकी सेवा में उपस्थित होने लगे तो सप्तऋषि भला पीछे कैसे रह सकते थे, वो भी आए। Thank you.
युधो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे माचल माचल। हनुमान की नित नई लीलाओं से आनंदित होते हुए अंजना के गोद भराई का समय आ पहुंचा। इस मंगल कार्य के लिए निकट और दूर स्थित सभी संबंधियों और मित्रों को निमंत्रण भेज दिया गया, किंतु ठीक गोद भराई के दिन सूर्योदय के साथ ही मूसलाधार वर्षा होने लगी, जो ना तो रुक रही थी और न मध्यम पड़ रही थी। तो क्या गोद भराई नहीं हो सकी? मंगल मूर्ति हनुमान के जीवन में ये कैसा मंगल आ गया दीदी? इसी चिंता से तो अंजना भी व्याकुल थी। वर्षा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तुम निराश ना हो अंजने, ऐसी भी वर्षा नहीं हो रही कि लोग आ ना सके। मार्ग में कहीं रुक गए होंगे, आते ही होंगे। मेरे लाल के प्रथम उत्सव में यह अशिव अमंगल बाधा क्यों? आपने तो कहा था कि वो आपका तेज होगा, आपके अपने अंश स्वरूप के साथ ऐसा अन्याय क्यों? मेरा पुत्र हमारे प्रियजनों के आशीष से वंचित क्यों? हे हर, मुझ दुखियारिन का दुख दूर कीजिए। हे गौरी, हे कृपाकर, आप तो जगत जननी जगदम्बा हैं, आप तो भोले बाबा की तरह विरक्त वैरागी नहीं है मां, आप तो अपने संतान के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहती। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसका दंड आप मुझे दीजिए, किंतु गोद भराई के इस पावन अवसर पर मेरे लाल को आशीर्वादों से वंचित मत कीजिए। हे ममता मई मां, आंचल फैलाकर आपकी ममता की भीख मांगती। कृपा करो मां, कृपा कर, कृपा कर। मैंने तेरी पुकार सुन ली है पुत्री, धीरज रखो, गोद भराई होगी, पूरे अनुष्ठान के साथ होगी और तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद मिलेंगे और ऐसे
जैसे किसी को ना मिले हो। हनुमान पर मेरी और भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कृपा तो स्वाभाविक है, पर जब अंजना को जगत जननी शक्ति स्वरूपा पार्वती जी का आशीर्वाद मिल गया तो उसके कार्य में आने वाले सारे विघ्न निष्फल तो होने ही थे। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आइए इंद्राणी सची देवी, चंद्र मोहिनी रोहिणी, आप भी आए, भानुप्रिया संज्ञा, देवी छाया, इस मंगल कार्य में सम्मिलित होने के लिए आप दोनों भी आइए। प्रणाम महारानी। क्या हुआ, तुम इतना हाँप क्यों रही हो? वो आ गई। कौन, हमारे संबंधी? वो तो नहीं आए, पर कुछ सुहागने आई हैं। बहुत खूबसूरत सजी धजी, देवियों जैसी, और साथ में खूब सारे उपहार भी लाई हैं। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति शक्ला रोगः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। तव पुत्रो जितेन्द्रियो भविष्यति। मेरा लाल सभी इंद्रियों को जीतने वाला होगा। दैत्य कार्य विघात को भविष्य, राक्षसी आचरण को मिटाने वाला होगा मेरा लाल। वेद विदांग विशारदो भविष्यति। मेरा पुत्र वेदों का विद्वान होगा। जैसा भोला होगा, नारायण जैसे नटखट होगा, ज्ञानी और तपस्वी होगा, पर कौन? तेरा लाल।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.